हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले करंट अफेयर्स के साथ। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वुहान कोरोना वायरस को सार्क कोविड 2 भी यहां पर नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार में पिछले 6 महीनों में कोविड 19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश भी यहां पर बन गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल है डीके जोशी। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो यहाँ पर है वो है कोलकाता में। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 10 मीटर चैनल जो है यहाँ पर, 10 डिग्री चैनल जो है, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से भी अलग करती है। ये नीचे वाला इलाका है, ये आपके निकोबार में आता है और ये आता है यहाँ पर आपके अंडमान में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं? अमेजोन के नए CEO बने हैं एंडी जेसी। जे बेजोस के इस्तीफे देने के बाद अब एंडी जेसी जो हैं ये अमेजोन के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमेजोन ने ऐलान किया है कि जे बेजोस को कंपनी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अमेजोन मुख्यालय है वॉशिंगटन USA में। अध्यक्ष हैं जे बेजोस और CEO हैं ये है एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं सत्य नडेला। जूम ऐप जो है यहाँ पर, इसके वर्तमान में है एरिक युआन। गूगल के हैं सुंदर पिचई और फेसबुक के यहाँ पर CEO हैं मार्क जकरबर्ग। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम देश के पहले फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर वियतनाम देश के फिर से ग्वेन फू ट्रोंग जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के तौर पर। राजधानी है हुनाई और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। करेंसी है वियतनामी दोंग और प्रधानमंत्री हैं ग्वेन जुआन और राष्ट्रपति हैं ग्वेन फू, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फ्रांस के नए राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। मॉरिशस के हैं पृथ्वीराज सिंह रोपन। ट्यूनिशिया के हैं काइस सोयद। यहाँ पर वेनेजुएला के हैं निकोलस मादुरो और ब्राजील के हैं जेयर ब्लेसनारो। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? ये है आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पर दिया था और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज, व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर जोर दिया था। और साल 2020 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में आत्मनिर्भर भी शामिल रहा। इसके उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर शब्द की 2020 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा भी यहां पर की है। डिक्शनरी ऑफ कॉम ने पेंडेमिक शब्द को ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर और मेरियर वेबस्टर ने पेंडेमिक और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहां पर क्वारंटाइन और इसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन और ऑक्सफर्ड ने आत्मनिर्भर यहां पर ऑक्सफर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये मनाया है श्रीलंका ने, भी आपका करेक्ट होगा। भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, जिसके 6 महीनों के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ और इस दिन को श्रीलंका में ध्वजारोहण समारोह, नृत्य परेड और प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर आमतौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें, यह मुख्य उत्सव
कोलंबो में यहाँ पर होता है, जहाँ के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वजा फहराते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्रीय रूप से यहाँ पर प्रस्तावित भाषण भी यहाँ पर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, इससे पहले अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पूरे कोट्टे, और करेंसी है यहाँ पर श्रीलंका रुपया, राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे हैं प्रधानमंत्री। पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और यहाँ पर श्रीलंका के बीच में है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखे है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर दलाई लामा जी ने यहाँ पर ये बुक लिखी है, और इनविंसिबल ये तरुण यहाँ पर विजय के द्वारा लिखी गई है। मनोहर पारिकर के ऊपर आधारित है ये बुक, जो कि गोवा के सीएम भी रह चुके हैं। होप ऑन रस्किन बोन्ड की बुक है, लेगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है। द इकाबोक जेके रोवलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की बुक है ये। इसके अलावा ओनली ओवर होम ये नाम से भी एक जो बुक है, ये दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखना। सबसे तेज 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बना है भारत। भारत में 16 फरवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, और 1 फरवरी को भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। भारत तेजी से साथ ही टीकाकरण अभियान जारी कर रहा है, और इसी के साथ भारत सबसे तेजी के साथ 40 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण करने वाला नया पहला देश बन गया है, और भारत ने उपलब्धि हासिल 18 महीनों के में यहाँ पर हासिल कर ली है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतर्राष्ट्रीय मिशन, अंतरिक्ष मिशन जो है यहाँ पर, जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4, ये लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है, यहाँ पर घोषणा की है, ये है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, ठीक है। स्पेस एक्स स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, अध्यक्ष हैं गिविनी सॉटवेल और संस्थापक हैं यहाँ पर इलॉन मस्क। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे 7। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाए जाने वाले भाषणों, जो भविष्य की नीतियां हैं, उनको यहाँ पर रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कि कागज रहित बजट पेश किया गया। जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की थी। इनमें कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा और सक्षम बनाने के लिए अगले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल के अंदर बना है। इसके अलावा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है, ये सांची शहर में स्थापित है। भारत का पहला स्की पार्क भी हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में है। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये हुआ है बी, बेंगलुरु में। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा 13वां एयर इंडिया 2021 आयोजन 3 फरवरी से यहाँ पर 5 फरवरी तक यहाँ पर चलेगा। कर्नाटक के येलाहंका स्थित एयरफोर्स जो कंपनी यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन पर 13वें एरो इंडिया 2021 का यहाँ पर आयोजन हुआ है। इसके अलावा इस शो में DRDO ने अपने 300 उत्पाद और तकनीकी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी है, वो भी यहाँ पर कर रहा है। देश का पहला स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है निर्भय, वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही घातक है। और अमेरिका जो है उनकी टॉम हॉक मिसाइल जो है, इसका भारतीय संस्करण से कहा गया है। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे
तो गवर्नर हैं वजूभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर अभय श्रीनिवास ओक्का, लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और एचएल का मुख्यालय भी है। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण जो प्रबंधन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र है, ये स्थापित किया गया है चेन्नई के अंदर। ये आपका करेक्ट होगा। देश में पहला वेटलैंड संस्थान चेन्नई में स्थापित किया गया है और यह संस्थान देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। हाल ही में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं यहाँ पर। तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर के पलानी स्वामी यहाँ पर, और गवर्नर हैं यहाँ पर बनवारीलाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव बैनर्जी। लोकसभा की 39 सीट है, राज्यसभा की 18 और विधानसभा के हैं 234 सीट। आठवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री है हमारी स्मृति ईरानी। इन्होंने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला कहा जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्में यहां पर उत्पादित की जाती है। आज का आपका क्वेश्चन है महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है यहां पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा जरूर दबाइए और 1000 लाइक तक इस वीडियो को यहां पर पहुंचाइए ताकि एक जो मोटिवेशन है वो बना रहे आप लोगों के वीडियो बनाने का। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।